सुबह अखबार के राशिफल में लिखा हो आकस्मिक धन लाभ और मिल जाए एक रुपया या पुरानी अठन्नी, तो भी हम खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन जब राजेश वागले को मिल गया पूरे 20,000 का पैकेट, तो छोटा सा भूचाल ही आ गया। ये पैसे जिस किसी के भी है, अगर वो ढूंढता हुआ यहाँ आया तो 100% जोशीपुरा ले लेगा। तो फिर करे क्या? अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! तिवारी जी। जी सर। तिवारी, ओ तिवारी। जी सर। तिवारी जी सर, आज सुबह सोसाइटी इंस्पेक्शन राउंड के दौरान मुझे टेरेस की टंकी के नीचे ये हवाई चप्पल मिले। लाओ लॉकर की चाबी दो, मुझे इन्हें लॉकर में रखना है। नहीं नहीं सर, ये तो हमारे, दीजिए ना सर। दीजिए मतलब क्या दीजिए? आज दे दूंगा तो सोसाइटी में कल जो भी चीज मिलेगी उस पे क्लेम करोगे। नहीं नहीं, हमारी सही दर्शन हाइट सोसाइटी का रूल है कि सोसाइटी परिसर में जो भी चीज मिली वो सोसाइटी की हो जाएगी। आज ये चप्पल मिले हैं तो ये सोसाइटी के हो गए। लाओ चाबी दो, दो चाबी। अब ये जब्त हो गए हैं, अब ये सोसाइटी लॉकर में ही रहेंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, प्रातःकाल ये पत्र वेस्टन लेके कहाँ जा रहे हैं? क्या क्या वेस्टन? पत्र वेस्टन मतलब एनवेलप। हाँ, सुबह सुबह एनवेलप लेके कहाँ चल दिए? आजकल कुरियर कंपनी के मैनेजर घर घर जाके डिलीवरी करने लगे क्या? वैसे ये बात वन्ना भाभी को मत बताना, बेचारी क्या सोचेंगी आपके बारे में, उन्हें बहुत दुख होगा, उनके कोमल हृदय पे हथौड़े पड़ेंगे हथौड़े। सर, हमारी हवाई चप्पल तो गई। सर आप कुछ बोल रहे थे? सोसाइटी में मिली हर चीज ये जोशीपुरा जब्त करता है। हाँ, अब देखिए ना, वैसे आपको भी कुछ मिला क्या? हाँ जी, मैंने अथर्व से पूछा, मैंने कहा क्या डील करना चाहता है तू, तो कहने लगा मैं ना गेम चैंपियन बनूंगा ना तो मुझे 1 मिलियन का कैश प्राइज मिलेगा, मैं उसमें से आधा आपको दूंगा। अरे भाई फिर तो मैं करोड़ पत्नी का पति कहलाऊंगा। दिमाग रुकता कहाँ इस लड़के का? राज, माथे पे सिल्वर टेप, परेशान से दिख रहे हो, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, ये देखो मुझे क्या मिला। सोसाइटी गार्डन में मिले। इतने सारे पैसे? 20,000 रुपए अभी लिफ्ट में गिरे मैंने। किसके? पता नहीं। मुझे पता है किसके पैसे। किसके? ये भगवान जी के भेजे हुए पैसे हैं। मैंने आज सुबह ही साइकिल के लिए रिक्वेस्ट की थी तो ये उनके भेजे हुए पैसे हैं। साइकिल के लिए भी कोई भगवान से रिक्वेस्ट करता है क्या? डैडी को रिक्वेस्ट करता तो थोड़ी मिलते, इसलिए मुझे भगवान जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। मैजिक देखा, मैंने आज सुबह रिक्वेस्ट की थी और भगवान जी ने पैसे भेज भी दिए। ऐसा है तो तू मार्क्स मांगा कर भगवान से। हाँ, बढ़ाया पैसे मांगने वाला। एक मिनट, ये किसके होंगे? राजू तू एक काम कर। हाँ। तू इसे पुलिस में जमा कर दे। लेकिन पापा ये पैसे जिस किसी के भी है, अगर वो ढूंढता हुआ यहाँ आया तो उसे कैसे पता चलेगा कि हमने ये पैसे पुलिस में दिए? उसे इन पैसों की जरूरत होगी तो? एक काम करो ना, सोसाइटी में जमा कर दो, कोई ढूंढते हुए आएगा तो सोसाइटी से ले लेगा। हाँ। सोसाइटी में दूंगा तो 100% जोशीपुरा ले लेगा, जोशीपुरा ने अगर ये पैसे सोसाइटी फंड में डाल दिए तो। मुझे जोशीपुरा पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। यू नो व्हाट ही डिड राइट नाउ, उसने उस तिवारी के हवाई चप्पल भी जब्त कर लिए। एग्जैक्टली। तो फिर करे क्या? क्या है ना, हमारे जमाने में ना चवन्नी अठन्नी मिलती थी तो हम सीधा ना मंदिर के दान पेटी में डाल देते थे, लेकिन इतने सारे पैसे इकट्ठा कभी मिले नहीं ना। ये सब ना सिर्फ बोरीवली में ही होता है, दादर में कभी ऐसा नहीं होता है। दादर के लोग ऐसे पैसे नहीं गिराते, माइंड इट। कुछ भी। राज, इस पे तो कुछ लिखा हुआ है, देखो उर्दू या फारसी, पता लैंग्वेज नहीं। लिखा क्या है?
तुम्हें पता तो लिखा होगा, क्या पहुंचा देते? लेकिन पापा हमें उर्दू कहाँ आती है? डैड हमें नहीं लेकिन मोबाइल को तो आती है। दीजिए ये लिया फोटो, ये डाला ऑनलाइन ट्रांसलेटर पे और अभी आएगा इसका ट्रांसलेशन। अरे वाह, इसमें ऐसा भी होता है? अधिका गुड नो आया आया। अम्मी ये आपके दवाइयों के खर्च के लिए है, कुछ महीनों में ऑपरेशन के लिए भी पैसे भेज दूंगा, वो होते वापस आ जाऊंगा, पैसे मिलते फोन करना। ये इतना ही लिखा है, उसमें पता नहीं है? नहीं और नंबर भी नहीं। जिसने भी अपनी माँ को ये भेजा उसे अपना नंबर इस पर लिख कर भेजना चाहिए था ना। अरे कमाल करते हैं आप, माँ को अपने बेटे का नंबर तो पता होता है ना, क्यों लिखेगा वो? हाँ वो भी है, पर माँ तो अपने बेटे को फोन कर ही लेती है, फिर उसने माँ को फोन करने के लिए क्यों लिखा? बात तो सही है। राज तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे, तुम रेडी हो जाओ ना तब तक। हाँ हाँ अरे बेटा हाफ डे लग जाएगा, ये सब बाद में देखेंगे, तू जा तू जा। नहीं पापा, किसी ने अपनी माँ की दवाइयों के लिए पैसे भेजे, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये पैसे किसके हैं, फिर जाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, आने का मन नहीं कर रहा है। ये भी सही है। राजू मैं क्या कहती हूँ, ये एनवलप तुझे सोसाइटी में पड़ा मिला राइट, किसी के जेब से या बैग से गिरा होगा, और गिरा है तो सीसीटीवी फुटेज में पता चलेगा किसका है। राइट, सोसाइटी की सीसीटीवी से साफ पता चल जाएगा। यस। नहीं नहीं राजू, सीसीटीवी सीसीटीवी तो कुछ दिखता ही नहीं, मतलब साफ साफ तो दिखता ही नहीं ना, तो ये समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ऐसा करते हैं, वो उसको बुलाते हैं, वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उसे पता मिल जाएगा और पहुंचा देंगे। अरे नहीं पापा, हैंडराइटिंग मैच करने के लिए सिर्फ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाना काफी नहीं होगा, जो लोग उर्दू लिख सकते हैं उन सबको बुलाना पड़ेगा उनकी हैंडराइटिंग मैच कराने के लिए। हाँ, हाँ, तो फिर कोई और रास्ता होगा ना बेटा, सीसीटीवी से कुछ हाथ नहीं लगेगा, हमारे यहाँ तो दो दो सीसीटीवी खराब पड़े, तो बाकी के जो तीन बचे उसमें से पता चल जाएगा ना। पर आज सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए भी तुम्हें दक्कू भाई से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन कर लेंगे, अपनी भली ही ना हो लेकिन किसी की तो माँ है ना, माँ के लिए कर लेंगे। हेलो, फर्स्ट सिटीजन ऑफ साई दर्शन हाइट सोसाइटी, आदरणीय माननीय श्रीमान दक्षेश जोशीपुरा जी, एक छोटी सी मदद चाहिए थी। नो 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 नो, एक तो आपने पत्र वेस्टन के बारे में कुछ बताया नहीं, इनफैक्ट मैं आपके सामने खड़ा था, आपको पूछा भी कि ये पत्र वेस्टन लेके आप कहाँ जा रहे हैं, पर फिर भी अब नथिंग डूइंग, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फॉल्स। अगर आपको सीसीटीवी फुटेज देखनी है तो आपको फीस देनी पड़ेगी। अपनी सोसाइटी का फुटेज देखने के लिए फीस देनी पड़ेगी? हाँ, तो एक मिनट, सीसीटीवी, हाँ ये देखिए, सोसाइटी में किसी को कोई चीज पड़ी मिले और वो चीज किसकी है ये पता कराने के लिए सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वो देखने के लिए चार्जेस लगेंगे जिसे हम फीस कहते हैं। ये क्या लॉजिक है? सही लॉजिक है, सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव जब हमने सोसाइटी मीटिंग में रखा था तो उसमें साफ साफ लिखा था। एक सेकंड, ये देखिए, सोसाइटी में किसी का कुछ खो गया हो तो फुटेज फ्री मिलेगी, किसी को कुछ मिला हो तो फुटेज फ्री मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उस स्थिति में बायलॉज के अकॉर्डिंग आपको 1,000 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे। लेकिन क्या लेकिन, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। सोसाइटी के बायलॉज में सब क्लियर है, पर आप तो कभी बायलॉज पढ़ते नहीं। देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए तो 1,000 रुपए चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि ये पत्र वेस्टन वाला मामला आपका पर्सनल मामला है, क्योंकि ये चीज आपको मिली है सोसाइटी को नहीं। ये 1,000 रुपए फीस। एक मिनट, ये लीजिए सीसीटीवी फुटेज। थैंक यू। 1 घंटे में लौटा देना। हाँ हाँ हाँ। ज्यादा टाइम लगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे 1,000 रुपए। अरे अरे क्या, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे गए।
एक नंबर का फूल आदमी है वो दक्षय जोशीपुरा। नहीं है। अरे है। अरे इस फुटेज में किसी के भी हाथ में एनवेलप नहीं है राज। ये वाला खोलो, इसमें होगा कुछ। नहीं होगा, नहीं होगा राजू, मेरी बात मानो, नहीं होगा। है या नहीं है देखने के बाद ही पता चलेगा ना पापा, देखने तो दीजिए। नहीं, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, तुम खाम का अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो बेटा। अरे यार, इस कैमरे के फोल्डर में भी नहीं है। नहीं मिलेगा, यही तो बता रहा हूँ मैं, किसी भी फोल्डर में नहीं मिलेगा, बंद करो बेटा। पापा ये लास्ट फोल्डर है, जस्ट वेट। आप क्यों इतना पैनिक कर रहे हो? मैं कहाँ पैनिक हो रहा हूँ, तुम्हारा वक्त बर्बाद ना हो इसीलिए बता रहा हूँ, मैं पैनिक नहीं हो रहा। कोई है? पापा? पापा ये तो आप हैं। मैं हूँ। आप वहाँ कोने में खड़े क्या कर रहे थे? खड़ा हूँ, ऐसे ही दिख रहा है। खड़े तो हो आप, लेकिन आप किसी का वेट कर रहे हो, किसकी राह देख रहे थे पापा? आपने ऑनलाइन स्वीट मंगवाया? सिर्फ मंगवाया नहीं, खा भी रहे, देखो कैसे गपागप गुलाब जामुन। सुबह 6:30 बजे गुलाब जामुन खा रहे हैं पापा? दो ही गुलाब जामुन तो लिए थे भाई, वो क्या शुगर मेरा डाउन हो रहा था ना, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने। अच्छा, सबसे छिपकर बैलेंस करनी थी शुगर, और इतने सारे गुलाब जाम खाने के बाद ना शुगर बैलेंस नहीं होती, शुगर बढ़ती है। नहीं बढ़ेगी, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि इसके खाने के बाद मैं एक्सरसाइज करने ही वाला था ना। अच्छा, इसीलिए आप हमें फुटेज देखने के लिए मना कर रहे थे। हाँ। अच्छा, गार्डन का फुटेज है नहीं इसमें, अब ये लास्ट फुटेज है लॉबी का। लेट्स होप कि इसमें पता चल जाए कि कौन कौन आया था सोसाइटी में। ये कौन है? ये तो कारपेंटर लगता है। हाँ माँ, ये सोसाइटी का पुराना कारपेंटर है, वो प्लंबर भी आया था अभी। एक मिनट, ये कौन है? ये फूड डिलीवरी वाला है। हाँ, ये वही है जो इन्हें गुलाब जामुन देके गया था। हाँ, ये अच्छा लड़का था। हाँ हाँ, आपको गुलाब जामुन देके जाने वाला लड़का अच्छा ही लगेगा आपको। राजू ये सब छोड़, नकू तू कारपेंटर को फोन कर, उसका तो नहीं गिरा था एनवेलप। हेलो भैया, मैं साई दर्शन हाइट सोसाइटी से बोल रहा हूँ, आप यहाँ आए थे ना? आया था, मगर अभी नहीं आ सकता, वो क्या है कि खाना खाने घर आया हो। ठीक है, नीचे ना हमें एक एनवेलप मिला है, उसमें पैसे थे। कितने? नहीं वो आपका एनवेलप गिरा है। कितने हैं बताइए ना, फिर बताऊंगा ना। 20। तो फिर मेरे नहीं है। 1000? हाँ शायद मेरे ही होंगे, मैं फौरन आया, मैं अभी आया। नहीं नहीं आना नहीं, अब इनफैक्ट दिखना ही नहीं सोसाइटी में। राजू तुमने ठीक से पूछना नहीं आता, तुम प्लम्बर को फोन लगाओ, मैं बात करती हूँ उससे। प्लम्बर भाई साहब, देखो बेटा वो क्या है ना, मैं साई दर्शन हाई सोसाइटी से बोल रही हूँ, हमारे यहाँ का बाथरूम में ना नल जो है वो लीक कर रहा है, तो जरा आके देखोगे? माँ जी सुबह ही आके गया था, अभी कैसे आऊँ, मैं किसी और एरिया में काम करूँ। माँ जी देखो बेटा क्या है ना, पानी वेस्ट हो रहा है ना, अच्छा नहीं पानी वेस्ट करना, तो आके जाओ ना। एक मिनट रुको, हाँ कोई बात कर रहा है, एक मिनट। हाँ वंदु, वो नीचे सोसाइटी में पैसों का एनवेलप मिला था ना, और तो वो मेरे कबर्ड में रख देना, कोई आएगा तो उसे दे देना। हाँ अरे माँ जी आपको क्या लगा पैसा मिला है ये सुन के वापिस आ जाऊंगा? माँ जी पानी का महत्व तो पैसों से बहुत ज्यादा होता है, अगर मैं आसपास होता ना मैं आके आपका नल ठीक कर देता। मैं किसी और एरिया में काम कर रहा हूँ माँ जी, लेकिन आप परेशान मत होइए, आपका पानी वेस्ट नहीं जाएगा, मैं किसी और को भेज देता हूँ, वो आपका नल ठीक कर देगा। अभी रखता हूँ माँ जी। नहीं मतलब इसका भी नहीं है, कितना एविडेंटली कर रही थी। अच्छा मतलब प्लम्बर नहीं कारपेंटर नहीं, तो बच्चा सिर्फ एक फूड डिलीवरी वाला।
पापा वो डिलीवरी बॉय का नंबर है क्या आपके पास? मैंने तो उससे सिर्फ दो गुलाब जामुन लिए थे, उसका नंबर नहीं लिया था। पापा मतलब जिस ऐप से आपने मंगवाया ना उस पर नंबर होगा, आपका फोन दीजिए। मैं ये लो। पापा ये क्या है, ऑलमोस्ट रोज आपने कुछ ना कुछ मंगवाया, ये ऑर्डर हिस्ट्री में सब कुछ दिख रहा है। तुम हिस्ट्री क्यों देख रहे हो? अरे प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट में तुम्हारी हिस्ट्री बहुत वीक थी, उस समय तो ध्यान नहीं दिया, अब दूसरे की हिस्ट्री पे ध्यान दे रहे हो। अरे बैठ। बेना पापा सब मिल गया नंबर, इसका नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है, अब क्या करें? मुझे ऑफिस जाना था, ये चंदू के 10 बार फोन आ चुके, पता नहीं वहां क्या गड़बड़ हुई है। लेकिन फूटा तो नहीं ना? अरे ये फूट गया था तो हैंडल विद केयर का स्टिकर लगाए रहे इसके ऊपर, फिर भी धक्का क्यों मारा? मैंने कब मारा, तुम ही सामने आए। अरे ये दासानी, झगड़ा करते वक्त तो मत क्या करना, झगड़े का मुद्दा भूल जाता हूँ। राजेश सर का फोन, अब बता देता हूँ। देखिए राजेश सर को तो पता है कि दासानी सर किस देते हैं। एक कुरियर गिरने के बारे में बता देता हूँ। हेलो राजेश सर। हाँ। ये दासानी को आप बोलो ना। चंदू एक मिनट, दासानी को जो बोलना है वहां पर आकर बोलूंगा मैं, उसके लिए सबसे पहले तो मुझे घर से बाहर निकलना होगा, और मैं घर से बाहर तब तक नहीं निकल सकता जब तक मैं एक आदमी को ढूंढ ना लूं। किसको ढूंढ रहे हो सर? एक फूड डिलीवरी वाला लड़का है, आज सुबह मुझे सोसाइटी में ना वो एक पैसों से भरा हुआ एनवलप मिला, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसी का है, उसमें 20,000 रुपए थे। क्या इतने सारे, तो वापस क्यों दे रहे हो, रख लो ना। अरे इडियट, ऐसे कैसे रख सकते हैं, किसी ने उसके माँ की दवाई के लिए पैसे भेजे, ऐसा उर्दू में उस एनवलप पे लिखा है। अच्छा तू एक बात बता, इस एरिया में तेरे जान पहचान वाला कोई है जो इस डिलीवरी बॉय को ढूंढ सके? मेरे पास नंबर है उसका। अच्छा आपके पास नंबर है, तो भेज दो मुझे। मैं आपके एरिया में हमारे ब्रांच की तरफ से वहाँ का कुरियर बॉयज ग्रुप है ना, उस पे भेज देता हूँ। क्या है ना सर, हमारे कुरियर डिलीवरी करने वाले लड़के पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का भी काम करते, हो सकते मिल जाएगा। बेस्ट, मैं उस लड़के का नंबर भेजता हूँ, जरा पता करो कि वो रहता कहाँ है और उस तक ही मैसेज पहुंचाओ कि उसके पैसे मेरे पास है। ओके ओके सर। राजू तूने तो उसे सब बता दिया, कितने पैसे थे, मैसेज उर्दू में था, अब वो लड़का मिल भी गया तो कंफर्म कैसे करेंगे कि उसी के पैसे, बताओ। अरे आपने तो उसका चेहरा देखा होगा ना, आप ही ने कहा था अच्छा लड़का था। भाई बोलने में अच्छा था, चेहरा थोड़ी देखा था, चेहरे पर तो मास्क था ना। तो फिर आने के बाद हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये वही लड़का है और ये पैसे उसी के हैं? राजू खाना खा ले बेटा। मम्मी आप खा लो ना, मैं खा लूंगा थोड़ी देर बाद। राज कांटेक्ट हो जाएगा, तुम प्लीज खाना खा लो। नहीं वंदना, जब तक मैं ये पैसे उस लड़के के हाथ में नहीं रख देता ना तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। पता नहीं क्यों बार बार मेरी आंखों के सामने मम्मी की शक्ल आ रही है, बीमार सी, मेरे फोन की राह देखती। मानो अगर ये पैसे मैंने मेरी मम्मी के लिए भेजे होते और वो कहीं गुम हो जाते तो मेरी क्या हालत होती। ये पैसे जिस माँ के उसी को मिलने चाहिए। हाँ बोल। हेलो सर, वो लड़का मिल गया, मैंने आपका एड्रेस दे दिया है, उधर रहते, बस पहुंचता ही होगा। That's it. मिल गया वो लड़का, आ रहा है। हाँ चलो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वो मेरा पैसों का एनवलप था। अंदर आइए ना, उन्हें अंदर बिठाइए। आइए। थैंक यू। नहीं शुक्रिया, वो एनवलप आप ही का है? जी हाँ वो मेरा ही है, भाई ने भिजवाया था विदेश से, दोस्त के हाथ, अम्मी की दवाई के खर्चे के लिए। वैसे तो उस पर लिखा है उर्दू में, पर थोड़ा हवा में उड़ती हुई लिखाई है। मेरा भाई दिल का साफ है लेकिन उसकी लिफाई टेढ़ी है। आप चाहें तो मैं आपको भाईजान से बात करवा सकता हूँ। नहीं नहीं जरूरत नहीं है, पैसे इन्हीं के। कैसे? मैंने चंदू को सब बताया था लेकिन लिखाई टेढ़ी थी ये नहीं बताया था। ठीक है, ये रहे आपके पैसे, गिन लीजिए। अरे सर आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अम्मी बहुत परेशान थी, उन्होंने अल्लाह ताला से मन्नत मांगी थी कि जब तक ये पैसे नहीं मिलेंगे वो पानी नहीं पिएंगी। इन्होंने सुबह से पानी नहीं पिया? नहीं, मैं सुबह से ये एनवलप ढूंढ रहा था, जहां जहां मैंने डिलीवरी दी मैं वहां वहां गया, मैं यहाँ भी आया था, लेकिन तब नहीं नहीं, हमारी सही दर्शन हाइट सोसाइटी का रूल है कि सोसाइटी परिसर में जो भी चीज मिली वो सोसाइटी की हो जाएगी। आज ये चप्पल मिले तो ये सोसाइटी के हो गए। तभी बता देते ना, ये पैसे तभी मिल जाते। अम्मी आप प्लीज पानी लीजिए पहले, प्लीज प्लीज लाइए लाइए। मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। बेटा अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, अल्लाह ताला तुम्हें नेकी दे, तुम्हें बरकत दे। बेटा अपनी अच्छाई कभी मत खोना। ये अच्छाई मुझे मेरे माँ बाप के सिखाए हुए संस्कारों से मिली है, और माँ बाप की प्यार से दी हुई चीजें कभी कोई खो सकता है? अच्छा ठीक है, हम चलते हैं जी। अल्लाह हर माँ बाप को तुम्हारी जैसी औलाद दे, खुश रहो तुम सब। सीनियर वागले, हमारा जीवन सफल हो गया। इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। गार्डन में जाते और ऑर्डर करते, मैं भी चलती हूँ। पैसे पैसे पे लिखा होता है कमाने वाले का नाम, दूसरे के हक का पैसा आ नहीं सकता हमारे काम। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।